स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनपद प्राथमिक शाला शारदा में जो भवन की स्थिति जर्जर हालत में पड़ी हुई, इसका कारण क्या है और कब से ऐसी स्थिति में पड़ी हुई, ये बताइए। जैसे कि लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं और कवरेज के दौरान हमें यह मिला कि यहाँ शौचालय की स्थिति आप देखिए जी जी, और अगर हम आपके पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसकी स्थिति देखें तो कबाड़ की तरह, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सर, जो शिक्षा प्रशासन है वो अपने कामों को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही है। अच्छा। और ध्यान नहीं दे पा रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और ये भी है कि यहाँ जो टीचर आते हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, और रेगुलर आते हैं तो टाइमिंग भी सही नहीं है उन लोगों का, और जैसे कि कभी कभी एब्सेंट भी है तो अगले दिन आके प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। और बच्चे लोगों को सही शिक्षा व्यवस्था है उसका पालन करने में इन लोग असमर्थ हैं। और देखिए आप स्कूल की स्थिति देखिए कितनी जर्जर है, प्लेग्राउंड की भी व्यवस्था नहीं है, और वो जो मतलब फंड में जो पैसा आता है, हर साल फंडिंग में पैसा आता है 40,000 रुपये के समथिंग कुछ, उसका भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे स्कूल को किस टाइप से इसकी। अच्छा, जैसे आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो टीचर यहाँ रेगुलर नहीं आते, अगर रेगुलर आते भी है तो टाइम से नहीं आता, आप किस बेस पर बोल रहे हैं? सर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं साक्षात, और मैं अकेले इसमें नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, पूरा ग्रामवासी यहाँ है। और हम लोग अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंत कुमार निडेजक है। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे यशवंत कुमार द्वारा जो बातें कही जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी 100% सच्चाई है, क्योंकि अच्छा। स्कूल का जो टाइमिंग है वो 12 बजे का है। अच्छा। और हमारे यहाँ जो टीचर्स पहुँच रहे हैं वो 1-1.5 बजे के आसपास पहुँचते हैं, हम लोग खुद इस चीज़ को यहाँ पर देख चुके हैं जी। अच्छा, अगर हम बिल्डिंग की बात करें, भवन की, तो ये जर्जर हालत में कब से ऐसा है? बहुत दिनों से है सर, कम से कम 8-10 साल हो गए हैं ऐसी। तो कहीं ना कहीं पंचायत भी तो जिम्मेदार है ना, सिर्फ हम शाला समिति या टीचरों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं पंचायत भी जिम्मेदार हुआ था इसके पहले। सर बात बोली गर्मी समय कि ये टूट जाए, इसके लिए मतलब सब वो लेके आगे इसके तोड़ना है, इसको देना है बोल के, उसके बाद कोई पता नहीं चला। अच्छा, मतलब किनके द्वारा बोला गया था? इनके जब हमारा नया जब सरपंच बना, पंचायत के द्वारा, पंचायत द्वारा। अच्छा। तो जब आया था हमारा सरपंच लोग तो बोला कि इनको देना है तोड़ने के लिए। अच्छा। तो बाद में फिर अब क्या हुआ कैसा हुआ था वो मालूम ही नहीं, वो अभी तक ये टूटा नहीं, ऐसा तैसे इसका सब सामान भी चोरी, अब तो देखे अंदर क्या हाल है, बस यही है यहाँ पर। आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप निर्मलकर। अच्छा, जैसे यहाँ शौचालय की स्थिति आप शायद इससे आप रूबरू होंगे जी जी, यहाँ लगभग 160 की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये स्कूल का मास्टर का गलती है, और प्लस गांव के जो हमारे जो सरपंच है उसका भी अनदेखिया है समझ लो, जो बच्चों की व्यवस्था देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे। तो जैसे आपके द्वारा गलतियाँ हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो जिम्मेदार है ना, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आप अच्छा, आपके बच्चे मुख्य जो करता जो है यहाँ के मास्टर है सर। अच्छा, मास्टर ही बच्चे लोग को व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो कैसे होगा, सरकार से तो पूरी व्यवस्था आ रही ना। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बच्चे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने बार यहाँ आकर यहाँ के जो टीचर है और पंचायत उनके ऊपर दबाव डाले हो? बोलते तो है हमेशा जो है। अच्छा, पर रिजल्ट आ नहीं रहा समझ लो अच्छे से। क्या बोला जाता है उनके द्वारा? ये जो रिजल्ट जो है उनके द्वारा क्या बोला जाता है? सरकार से जो आ रही है फैसिलिटी हो तो आनी चाहिए ना। नहीं, पंचायत के द्वारा क्या बोला जाता है? कर रहे हैं व्यवस्था ऐसे करके बोलते हैं। और ये कब से ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है? 3-4 साल हो गए समझ लो, 3-4 वर्ष से ऐसी व्यवस्था है। आइए, यहाँ प्रधान पाठक जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? बहुमन प्रसाद। कौन आप यहाँ किस पोस्ट पर? प्रधान पाठक मिडिल स्कूल। अच्छा। शारदा। यहाँ स्कूल लगने का टाइमिंग क्या है? 12:15 बजे से 5 बजे तक। तो जैसे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा और सुनिए ना, और जो प्राथमिक शाला है वो 7:30 बजे से 11:30 बजे तक। अच्छा। हाँ, जैसे कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो टीचर है नियमित रूप से आते नहीं है, अगर नियमित रूप से आते हैं तो सही समय पर नहीं पहुँचते, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्राथमिक शाला को तो
7:30 से 11:30 में मिडिल स्कूल का। नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मिडिल स्कूल नहीं, ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी स्टाफ जो सही समय पर नहीं आते हैं, अगर आते भी है तो नियमित रूप से नहीं आते हैं और अगले दिन आकर रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं ये इसमें जो है सभी टीचर जो है आते हैं समय पर, और जो नहीं आते उसका जो है CL और ये जो है अवकाश दिन उसमें ऑलरेडी चढ़ता है। अभी आपके विद्यालय में कुल कितने स्टाफ है? इसमें स्टाफ चार शिक्षक हैं और एक प्रधान पाठक, एक चपरासी है, प्यून है, मतलब 6 लोग हैं। हाँ तो अभी 6 लोग पूरा उपस्थित हैं, एक जो है 4 लोग उपस्थित हैं। अच्छा ये एक जो है अभी जो है अवकाश पर है। अच्छा मेडिकल अवकाश पर है। अच्छा उनका आवेदन आपको मिला? जी हाँ। तो यहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, इसका कारण क्या है? इसमें जो है सरपंच जो है आवेदन तो दिए हैं। अच्छा और आज बनेगा कल बनेगा ऐसे देंगे, आश्वासन भी मिले हैं। अच्छा हाँ तो उसका जो पुराना है वो जो है पहले सरपंच बनवाए थे पहले वाला पूर्व सरपंच, लेकिन वर्तमान सरपंच जो है आश्वासन दे रहे हैं कि उस बनेगा कि। अच्छा यहाँ जो शौचालय बनना है भवन का मरम्मत होना है आपके हाथों में नहीं है? जी हाँ ये किनके हाथों में? इसमें जो है हाथा है वो ज़रूरी है और बाहरी लोग इसमें आ करके ये आ जाते हैं और स्कूल का जो है तोड़ फोड़ करते रहते हैं। अच्छा जी हाँ तो ज़रूरी हाथा ज़रूरी है और शौचालय भी ज़रूरी है। तो अभी जैसे ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये तोड़ फोड़ करते हैं और ताला को कभी तोड़ देते हैं। जी अच्छा अभी जैसे उचित व्यवस्था नहीं है शौचालय की, तो इस स्थिति में भी क्या प्रबंध किया जा रहा है ताकि यहाँ जो अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं हैं और जो स्टाफ उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो? उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसे पीछे साइड में ही जाते हैं। अच्छा जंगल झाड़ी में पीछे जाना पड़ता है और वहाँ पर शौचालय बना हुआ है सामुदायिक शौचालय, उसमें जो है तो सामुदायिक शौचालय का बात किया जा रहा है तो उसमें ताला लगे तो फिर कैसे जाते होंगे? लड़के बाहर जाते हैं जिसको ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पीछे पीछे जाते हैं। अच्छा कठिनाई और वो जो है वहाँ कठिनाई का सामना ही करना पड़ता है उसको बच्चे को, यानी सीख।